एडीजी जोन अखिल कुमार ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर में ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में ब्रीफ किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मकर संक्रांति मेले के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। पूरी पुलिस व्यवस्था को 3 सुपर जोन व 25 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें सुपर जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे व जोन के प्रभारी सीओ रैंक के अधिकारी होंगे और सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को लगाया गया है, जिनके साथ भारी संख्या में हेड कांस्टेबल व महिला उपनिरीक्षक और महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। जो सुपर जोन रहेगा वह मंदिर परिसर को सुरक्षा प्रदान करेगा और सुपर जोन 2 मंदिर परिसर के एरिया को कवर करेगा, जिसमें श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं, और सुपर जोन 3 यातायात बैरियर पर ध्यान रखेगा। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी की भी ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए खुफिया तंत्र को भी एक्टिव किया गया है। एटीएस की टीम भी मंदिर परिसर को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और ड्रोन कैमरे से पूरे मंदिर की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जनपद में जो भी मंदिर है वहां पर भी श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए, जिसके लिए पूरा प्रबंध किया गया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, बाहरी पूर्वी प्रवेश द्वार मंदिर के मुख्य द्वार डीएफएमडी के सामने तिराहा में श्रद्धालुओं की लाइन लगवाने हेतु आपस में बात ना करें। प्रभारी श्री रमेश सिंह रावत, चौकी राम यादव, ओम प्रकाश गौतम, आगामी मकर संक्रांति और खिचड़ी मेला का आयोजन जनपद गोरखपुर में होने जा रहा है। यहां पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शनार्थियों की सुरक्षा सुगमता के लिए यहां पर पुलिस का प्रबंध बड़े व्यापक रूप पर किया गया है। पूरी पुलिस व्यवस्था को 3 सुपर जोन्स, 10 जोन्स और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें सुपर जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, जोन के प्रभारी सर्कल ऑफिसर हैं और सेक्टर के प्रभारी इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को लगाया गया है। इनके साथ भारी संख्या में कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल और विशेष रूप से महिला उपनिरीक्षक, महिला कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है। जो जोन सुपर जोन 1 है वो मंदिर परिसर को प्रभाषित करता है, सुपर जोन 2 मंदिर के आसपास का एरिया जहां पर दर्शनार्थी पैदल चलकर के दर्शन करने के लिए आते हैं, और सुपर जोन 3 विशेष रूप से यातायात बैरियर्स, डाइवर्जन और पार्किंग को प्रभाषित करते हुए लगाया गया है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी की भी ड्यूटी यहां पर लगी है। सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए हमारा अभिसूचना तंत्र है, खुफिया तंत्र है, उसको भी एक्टिव किया गया है। एटीएस की भी एक पूरी टीम इस पूरी आयोजन को सुरक्षित करने हेतु यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा एक बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरास, पीए सिस्टम और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ खिचड़ी मेले के मुख्य आयोजन के साथ साथ जो अन्य धार्मिक स्थल जनपद में है, जो अन्य पर्यटक स्थल जनपद में है, वहां पर भी जो भी दर्शनार्थी या वहां पर लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए अलग से ड्यूटीज लगाई गई है, ताकि यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी दर्शनार्थी अपने श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी सुगमता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। और हमें पूरी आशा है कि यहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रद्धालु बड़ी अच्छी स्मृतियाँ यहाँ पर लेके जाएगा। पुलिस की आज ब्रीफिंग यहाँ पर की गई है, पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स की जो ड्यूटी लगाई गई है दोनों को यहाँ पर ज्वाइंटली ब्रीफ किया गया है, और मुझे पूरी आशा है कि सारी व्यवस्थाओं के चलते यहाँ पर एक अच्छा आयोजन सम्पन्न कराने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सफल रहेगा।